अस्सलामु अलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बिस्किट्स। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके साथ हम घर में बिस्किट्स बना सकते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स हमारे घरों में आमतौर पर अवेलेबल होते ही हैं हर टाइम। तो अगर कभी कभी आपको बहुत जल्दी हो और आप घर में बिस्किट्स बनाना चाहें तो उसके लिए एक बहुत ईजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिस्किट्स बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो, इसके लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप, कैस्टर शुगर हमें चाहिए 1.5 कप, घी हमें चाहिए 1 कप, सॉल्ट हमें चाहिए 1 टीस्पून, एग्स इसके अंदर जाएंगे 3 to 4, वनीला एसेंस इसके अंदर जाएगा 2 ड्रॉप्स, बहुत थोड़ा सा येलो फूड कलर आप इसके अंदर डालेंगे, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम पीनट्स। तो सबसे पहले हम लोग एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके अंदर जो अंडे हैं 4 वो तोड़ के डाल लेंगे। अंडे को आप कोशिश करें पहले एक अलग बाउल में तोड़ के देख लें कि कहीं बाज़ औक़ात अंडे ख़राब निकल आते हैं तो फिर सारा मटेरियल ख़राब हो जाता है। और उसके बाद हम अंदर ऐड करें घी 1 कप। घी को आप मेल्ट कर लें, वैसे ये बीटर से भी मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैस्टर शुगर। चीनी को पीस लें घर में ही, 1.5 कप हमने इसके अंदर ऐड की है। अब हम इसको बीटर से अच्छे तरह से बीट कर लेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि ये बिल्कुल होमोजेनाइज हो जाए। ये देखें हमारा मटेरियल काफ़ी हद तक होमोजेनाइज हो गया है। आपने 10 मिनट कैलकुलेटेड टाइम के मुताबिक आपने इसको बीट करना है, थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस बस 2 ड्रॉप आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। मैदा इसके अंदर जाएगा 2 कप भर के। मैंने ज़रा ज़्यादा मैदा छान लिया था, उसके अंदर से सिर्फ 2 कप मैदा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आपने जिस कप से मैदे की मेयरमेंट लेनी है उसी कप से आपने मेयर करना है शुगर एंड घी को भी, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। अब ये जो मटेरियल है इसको हमने किसी भी स्पैचुला से या किसी भी स्टिरर से मिक्स करना है, इसको हमने बीट नहीं करना बीटर से, क्योंकि अगर आप बीटर से बीट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा। इस वजह से ये जो स्टेप है इस पे हमने जो भी केक बनाएं, बिस्किट्स बनाएं, कुछ भी बनाएं, हम लोगों ने इसको स्टिरर से या किसी भी इस तरह के स्पैचुला से आपने इसको मिक्स करना है, आपने इसको बीटर से बीट नहीं करना। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट एफिशिएंट वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि हम इसको हाथ से ऐसे स्पैचुला से मिक्स करें। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि ये होमोजेनाइज हो जाए। हमने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया है, येलो फूड कलर है हमारे पास जी। आपने इसको थोड़ा सा थिक थिक रखना है, लाइक आटा टाइप, जैसे आटा होता है उस तरह से आपने इसको रखना है। अब हमने जो डिश है उसको अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आप चाहें तो आप इसको मैदे से भी कोटिंग कर सकते हैं मैदे की भी, ना चाहें तो बेशक ना करें। अब हम इसके बनाएंगे बिस्किट्स। हमने एक बड़ा सा पेड़ा लेना है। उसको हमने यहाँ पर रख लेना है, आप किसी भी डिश पर या फिर चकना बेलन पर रख सकते हैं इसको। उसको अच्छी तरह बेल लेना है आपने। अब हमने किसी भी सांचे की मदद से या किसी भी शेप के, जिस शेप के आप बिस्किट्स बनाना चाहें, जो आपके पास अवेलेबल हो उससे आप बिस्किट्स को काट लें। आप बड़े छोटे जो शेप आपके पास अवेलेबल है आप उससे बिस्किट्स बना सकते हैं। अब एक एक करके हम बिस्किट्स को उठाकर तो जो हमने डिश रेडी की थी उस पर शिफ्ट कर देंगे। मीनवाइल आपने इसी दौरान कुकिंग रेंज को तकरीबन रीहीट हो जाए। अब हमने बिस्किट्स के ऊपर अंडा जो है उसकी कोटिंग करनी है, ब्रश से अंडा ब्रश कर लेंगे हम जी। तो बिस्किट्स के ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ तिल। तिल भी आप ऐड कर सकते हैं, आप पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। आप जो ऐड करना चाहें आप वो इस पर ऐड कर लें।
अब मैं कुछ बिस्किट्स के ऊपर स्प्रिंकलर्स जो होते हैं हमारे पास मल्टी कलर के, आप लोग जो चीज़ें ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। आप चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग वाइट चॉकलेट बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितने मज़े के हमारे बिस्किट्स हो गए हैं रेडी, और हमने सबको डिश में रख लिया है। अब हम इसको करेंगे बेक। फुल हो गए हैं रेडी, अब हम इनको रखेंगे अवन के अंदर। तकरीबन 30 मिनट्स तक हमने इनको ओवन के अंदर रखा। 25 से 30 मिनट्स में बिस्किट हमारे हो गए हैं रेडी, बहुत ही मज़े के। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा इनका कलर है और बहुत क्रंची, बहुत सॉफ्ट बिस्किट हमारे हो गए हैं रेडी। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, गेस्ट को वैसे सर्व कर सकते हैं, लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। तो गाइज, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।